हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अन अकेडमी के 6th स्टैंडर्ड चैनल पर। गुड आफ्टरनून बच्चों, ये जल्दी से सब आ जाइए। जल्दी से आ जाइए सब। आफ्टरनून आ जाइए, जल्दी से आप शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, से वो भी क्लास अटेंड कर पाए। आज हम व्याकरण का नया लेसन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट लेसन है, जल्दी से आप लोग आ जाइए। से पहले अपने फ्रेंड्स को, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स को लिंक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, से वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। चलिए, जब तक मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है बच्चों। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया हुआ, मेरा 17 ईयर्स का हिंदी में एक्सपीरियंस है। मैं यूपीएसएससी के बच्चों को भी एग्जामिनेशन की तैयारी कराती हूँ। मैं यहाँ पर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। क्लास 7th 6th के बच्चों को अभी मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। नमस्ते बेटा, अंकिता, और कैसे हो आप? क्या किया सुबह से आपने? ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की अपने स्कूल की बच्चा? जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जस्ट 6 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए। आपको मालूम है अन अकेडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स सारे सब्जेक्ट, आपको सारे विषय पढ़ाते हैं। गुड आफ्टरनून देवांशु, हेलो बेटा, यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी करके, बेटा यहाँ पर आप अच्छे से सारे विषय की तैयारी करके आप कोई भी एग्जाम अच्छी तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना? जिसने अन अकेडमी अभी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जा करके इसे डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है, इसका लिंक अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करिए। और वहां पर आप मेरा नाम लिख लीजिए, पूजा बत्रा, और वहां पर आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होंगी आपको सब, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब आप देख सकते हैं। स्पेशल क्लासेस होंगी, यहाँ पर देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर देखिए कितनी फैसिलिटी आपको है। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स जो हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं वहां पर, वो जो है आपसे डिस्कशन करके, देखिए आप उनसे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं ना। और आपके यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं वो आपका जो कोर्स है वो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है। आपके 6th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर अप किया जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारा लिंक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होती है आपको अपनी क्लास में, जैसे आपके, नमस्ते बेटा, अब जो भी आप जैसे क्लास में आप एग्जाम देते हैं तो आपको अपनी रैंक पता चलती है, वैसे ही आप यहाँ पर भी क्विज और टेस्ट होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस रैंक पर है ना, आप किस सब्जेक्ट में, किस विषय पर आपका कमांड नहीं है, तो आप उस विषय में अपने आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, आप टॉप एजुकेटर से पढ़ते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और देखिए उस सब्जेक्ट में भी, उस विषय में आप अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस होती है, उसमें आपके टॉप एजुकेटर्स के वीडियोज आप कभी भी देख सकते हैं। और वहां पर डाउट सेशन होता है बच्चों,
उसमें से डाउट आप अपने क्लियर कर सकते हैं। टाइप टेस्ट होते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, आप सब्सक्रिप्शन ये ले लीजिए। यहाँ पर देखिए टॉप एजुकेटर्स में कुणाल सर, निकिता मैम, सृष्टि मैम, दीक्षा मैम, हुमेरा मैम, हिना मैम, ये सब देखिए वेल एजुकेटेड हैं, जो आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराती हैं। ये तैयारी तभी कराएंगे जब आप इनके ये लिंक आप शेयर कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स भी पढ़ पाए, है ना। यहाँ पर देखिए साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी, ये सारे सब्जेक्ट इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए आपको देखिए अनअकैडमी, आपका अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, ये आपका अगर डाउनलोड कर लेते हैं आप, तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाएंगे, और टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, आपके डाउट क्लियर्स करेंगे। तो आपकी क्लास में भी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आपके विषय में, तो आप उसमें यहाँ पर मैम से पूछ सकते हैं आप ना। उसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। आप टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां का ये देखिए लिंक दिया हुआ है, आप उसे टाइप करके मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 6 से 12 आप ये सब्सक्रिप्शन लेकर के। हेलो मोनिका, कैसे हो आप? हाँ, क्लास 6 से 12 आप ये सब्सक्रिप्शन लेकर के देखिए, 1 month में आप 2500 केवल इंस्टॉलमेंट दे करके। हेमंत, हेलो हेमंत, और कैसे हो आप, ठीक हो? क्लासेस आपने सुबह स्कूल की अटेंड की? ये पर मंथ इंस्टॉलमेंट केवल आपकी 2500 आती है, आप जिसमें सारे सब्जेक्ट्स बेटा कवर अप होते हैं। इसमें 6 months की इंस्टॉलमेंट केवल 10,000 है, और पर मंथ अगर आप इंस्टॉलमेंट दे तो केवल आपकी 1,667 है। देखिए कितना ऑफ मिल रहा है, 33% ऑफ भी है। 12 month में देखिए 15,000 था, जो इस समय आपकी 13,500 का है, और पर मंथ इंस्टॉलमेंट 1,250 में आप सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, बताइए सारे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ना, और लाइव क्लासेस आप पढ़ेंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे ना, आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं है ना, पे आप अच्छे कमांड के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बेसिक से यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। देखिए 12 month का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, तो 22,500 का है, जो तो पहले था हमारा 25,000 का। गुड आफ्टरनून प्रिंस, और कैसे हो बेटा? 22,500 का था बच्चों, जो पर मंथ देखिए इंस्टॉलमेंट अगर आप देते हैं, आप इंस्टॉलमेंट ना डेबिट कार्ड और यूपीआई किसी के भी थ्रू आप दे सकते हैं, 1,042 रुपीज है केवल, 8% ऑफ है इसमें। और आप देखिए अगर आप मेरा रेफरल कोड पूजा 01 आप यूज करते हैं, तो आपको इसमें भी 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा ना। तो आप सबसे पहले क्या करिए, 12 month का या 24 month का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, से आप सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकें। ये मैंने आपको लिंक पढ़ाया, देखिए आपको लिंक समझ में आया। अब आज हिंदी व्याकरण का एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ, शुरू करने जा रही हूँ मैं, आप कारक, है ना। आज कारक को अच्छी तरीके से समझिए बच्चों, कारक में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आपको बेसिक से मैं कारक समझा रही हूँ कि कारक की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है कारक की, आप कारक कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से कारक किस वाक्य में कौन सा कारक है, आप कौन सा कारक प्रयोग करेंगे वाक्य में। ठीक है, इसको आप उदाहरण से समझिए। देखिए पहले उदाहरण देखते हैं हम, पानी में मछली है, राम ने रावण को बाण से मारा, शिकारी ने कबूतर को तीर से मारा। आप देखिए पानी के बाद आप में लगा है, यहां पर इन वाक्यों में ने कोई बात नहीं। आपके अगर मोबाइल में अगर नहीं है कीबोर्ड हिंदी का, आप इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में टाइप कर दीजिए जी, में कीबोर्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप हिंदी में लिखिएगा, कोई बात नहीं।
ये देखिए, पानी में मछली है, यहाँ वाक्यों में मे, ने, को, से, ने, को, का, ये जो शब्द आप प्रयोग हुए हैं संज्ञा शब्दों के साथ, ना? मछली, राम, रावण, शिकारी, कबूतर, राधा, बंदर, इन शब्दों के साथ जो ये चिन्ह प्रयोग हुए हैं, इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? हाँ ठीक है बेटा, ये अध्यापिका जी, ठीक है, ये देखिए, इन वाक्यों में जो शब्द ये प्रयोग हुए हैं, यही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अर्थात यहाँ मे, ने, को, से वाक्य में ये जो चिन्ह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का आपस में क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। इन वाक्यों के बिना आपको मालूम है बच्चों कि जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्हों के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अगर हम कारक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वाक्य हमारा अधूरा है। इसलिए आपको कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर आप ये देखते हैं कि पानी मछली है, आपने कारक चिन्ह में का प्रयोग किया है, तभी वो वाक्य हमारा पूरा हुआ है, पानी में मछली है। अगर आप, बेटा कर्क नहीं होता है, कर्क नहीं होता, अभी कर्ता, कर्म, कारक, अभी हम सब आपको बताते हैं कि कौन कौन से कारक किस किस में प्रयोग होते हैं, ठीक है? ये देखिए आगे, आप अगर वाक्य लिखते हैं शिकारी कबूतर तीर मारा, तो यह वाक्य पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है ना। शिकारी ने कबूतर को तीर से मारा, इस वाक्य में आपने ने, को, से, ये इन वाक्यों का जो प्रयोग किया है आपने, ये क्या है? हमारे कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम क्या लिखते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के साथ हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, या क्रिया से पहले ही प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे क्या है? कारक चिन्ह। आप ये समझ लीजिए कि कारक चिन्हों के बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं हो सकता, अपूर्ण है हमारा वाक्य कारक चिन्हों के बिना। समझ में आया बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा देखिए इसकी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले, उसे कारक कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया बच्चों कि कारक की परिभाषा भी मैंने बताई, कारक कहते किसे हैं? आपने वाक्य मैंने देखा कि जैसे आप लीजिए कोई भी वाक्य, राधा राधा घर को जाती है, राधा घर जाती है, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। लेकिन आप को लगाते हैं तो ये जो वाक्य आप को, ने, से, ये इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे संबंधों के साथ पता चलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और ये जो समस्त चिन्ह है, ये देखिए परसर्ग, संज्ञा या सर्वनाम का आपस में क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। आप जो ये कारक चिन्ह प्रयोग करते हैं, जैसे कि, तो इन्हीं वाक्यों को हम, जैसे माँ आरती करने जा रही है, जैसे पिताजी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, पिताजी ऑफिस जाने तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप की इसमें प्रयोग करते हैं, की का प्रयोग करते हैं, तभी हमारा वाक्य पूरा हुआ। तो की शब्द जो हमने प्रयोग किया है, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह को ही हम परसर्ग भी कहते हैं। अगर आपको परसर्ग परसर्ग लिखने के लिए आता है, तो कारक चिन्ह और परसर्ग दोनों चीजें, कारक चिन्ह और परसर्ग दोनों चिन्हें, दोनों बेटा एक ही हैं, ठीक है? इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कारक चिन्हों के बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं होता। अभी तक इतना समझ लीजिए, जो कारक चिन्ह है उनके बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा, और कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कारक के भेद, हमारे कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के भेद ये अच्छी तरीके से याद करिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, किसको किसको कारक के भेद सारे याद हैं? कितने बच्चों को याद है?
तारक के भेद, तारक के भेद आपको मालूम है कि कारक चिन्ह आपको मालूम है, आपने पढ़ा है अभी तक कि कारक के कौन से कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह होता है, कर्म कारक का कौन सा चिन्ह होता है, कैसे पहचानेंगे कि हाँ वाक्य में कर्म कारक है, करण कारक है, कौन सा कारक है, ये आपको मालूम है। चलिए देखिए कर्ता कारक, कारक के 8 भेद हैं ये हम बताते हैं, आप देखिए सीखिए। हाँ वेरी गुड अंकिता, कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, ये कारक के 8 भेद। हाँ कर्म कारक बेटा, हाँ वेरी गुड, 8 भेद होते हैं, वेरी गुड मोनिका। ठीक है आगे ये देखिए, इतने अब ये देखिए इनके कारक चिन्ह देखिए, आप कैसे पहचानेंगे इनके कारक चिन्ह देखिए। कर्ता ने, आप इस तरीके से अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। नमस्ते बेटा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध, को की के रा री रे, अधिकरण में पर संबोधन अरे ओ रे, ये परसर्ग चिन्ह आप अच्छी तरीके से बच्चों याद कर लीजिए, संप्रदान कारक। हाँ बेटा ये भी अभी बताते हैं, तो इतने आप चिन्ह अगर आप याद कर लेंगे तो आपको मैं पहचानने का तरीका बताती हूँ आप। हाँ अपादान कारक बेटा, अच्छी तरीके से आप पहचान जाएंगे कि कौन से वाक्य में कौन सा आप कारक चिन्ह प्रयोग करेंगे और कौन से वाक्य में कौन सा कारक है, और क्या इसकी विभक्ति याद कर लीजिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। या अगर आपके पास कॉपी पेंसिल अगर आप लेकर के बेटा बैठे हैं तो आप ये इसके परसर्ग चिन्ह आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध, को की के रा री रे, अधिकरण और मे पर होता है इसकी पहचान, संबोधन अरे ओ रे, ये अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो आगे हम आपको शुरू करते हैं। चलिए आगे हम पढ़ाते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक का अभी आपने चिन्ह देखा, कर्ता कारक का कौन सा चिन्ह होता है, ने। अब कर्ता कारक कहते किसे हैं, आप कैसे पहचानेंगे बच्चों कि वाक्य में कर्ता कारक है। जैसे ये है, कर्ता कारक वे कहलाते हैं जिससे किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले का बोध होता है, हमें कार्य करने वाले का। हाँ बेटा अभी अंकिता भी अधिकरण कारक, संबोधन कारक सब समझाते हैं भी। ये देखिए कर्ता कारक समझिए आप कैसे पहचानेंगे, जिससे किसी भी वाक्य में कार्य करने का बोध होता है। बच्चा सोता है, उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, बच्चा सोता है, कौन सोता है, बच्चा, बच्चा हमारा यहाँ पर वाक्य में क्या है, कर्ता है ना, सब्जेक्ट जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना, कर्ता, कौन सोता है यहाँ पर, बच्चा सोता है। ममता ने सब्जी काटी, सब्जी किसने काटी, ममता ने सब्जी काटी, तो ममता हमारा यहाँ क्या है, ममता हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा कर्ता है, कर्ता कारक है। यहाँ पर आपने ममता के बाद आपने क्या प्रयोग किया, ने, तो कर्ता कारक में हम क्या प्रयोग करते हैं, ने कारक का प्रयोग करते हैं। और इसको आप पहचानें कैसे, ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। बच्चा सोता है मतलब वो सो रहा है बच्चा, भूतकाल में है ना, सो रहा है। और ममता ने सब्जी काटी, ममता सब्जी काट चुकी है अर्थात भूतकाल में। वर्तमान काल क्या आप किसे कहते हो, जो आपका काम हो रहा है अभी उसे वर्तमान काल, भूतकाल जो आप करोगे, जो कल आप काम करोगे उसे हम कहते हैं क्या, भविष्य काल कहते हैं। और भूतकाल जो कल आप काम कर चुके हो, जो काम आपने कल कर लिया है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल बच्चों किसे कहते हैं, जो कल आप काम करोगे, आपने सोचा है कल हम यह काम करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, भविष्यकाल। इसका प्रयोग कर्ता कारक का बच्चों याद करिए कि वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग इसका नहीं होता है, केवल इसका प्रयोग किस में होता है, भूतकाल में ही होता है।
आगे देखिए बच्चों, जैसे कर्ता कारक का एक और उदाहरण देखिए, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अध्यापक हमारा क्या है? हमारा कर्ता है ना? अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? कर्ता कारक है। अब आप अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि कर्ता कारक के साथ क्या करते हैं, ने शब्द का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? केवल भूतकाल में करते हैं, और वर्तमान काल में और उसमें नहीं करते हैं हम इसका प्रयोग। वर्तमान काल में और भविष्य काल में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए कर्म कारक। कर्म कारक बच्चों किसे कहते हैं? कर्म कारक में, कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है बच्चों को। कर्म के साथ हम लगाते हैं को कारक चिन्ह लगाते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया अथवा कार्य का प्रभाव पड़ता है वह क्या कहलाता है? हमारा कर्म कारक कहलाता है। इसको बच्चों आप कैसे पहचानेंगे? यदि आप क्रिया से पहले, क्रिया हमारी की यहाँ पर क्या है? देखा, आपको मालूम है कि क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। अगर आप वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगाते हैं और किसको लगाकर अगर आप प्रश्न करते हैं और आपको जो भी उत्तर मिलता है वो क्या होता है? हमारा कर्म कारक होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैंने बंदर को देखा, है ना? आप ये भी लगा सकते हैं, मैंने क्या देखा? मैंने बंदर को देखा। आपका बंदर को जो आंसर आया, जो जवाब मिला है, उत्तर मिला है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। राम ने रावण को मारा, रावण को हटाकर आप क्या करें? राम ने किसको मारा? तो आपके पास उसका जवाब क्या आता है? रावण को मारा। अर्थात हमारा इस वाक्य में कर्म कारक क्या है बेटा? रावण को हमारा क्या है इस वाक्य में? कर्म कारक। तो यदि आपको कर्म कारक की पहचान करनी है तो आपको वाक्य में क्रिया से पहले, क्रिया हमारी देखना है, दूसरे वाक्य में देना, मारना, ये क्या है? हमारी क्रिया है। क्रिया से पहले अगर आप क्या अथवा किसको प्रश्न लगाते हैं तो वो हमारे वाक्य में जो आपको उत्तर मिलता है बच्चों वो हमारा क्या कहलाएगा? कर्म कारक कहलाता है। अब कर्म कारक में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप जैसे एक दो वाक्य और देखिए, कविता ने मुझे अंग्रेजी सिखाई। कविता ने मुझे अंग्रेजी सिखाई, कविता ने, है ना? आपने इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है? मुझे को क्या कहेंगे? कविता ने किसको अंग्रेजी सिखाई? मुझे अंग्रेजी सिखाई, है ना? अर्थात इसमें क्या है? मुझे क्या है? कर्म कारक है। मुझे क्या है? कर्म कारक है। और मुझे से पहले क्या प्रयोग हुआ है? कारक चिन्ह जो प्रयोग हुआ है ने, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। आपको साधारण रूप से समझाएं कि अगर आप क्रिया से पहले क्या या अथवा किसको लगाएंगे तो जो उत्तर आएगा उसको आप कहेंगे क्या? कहेंगे कर्म कारक। और कर्म कारक का चिन्ह होता है, कर्म कारक का बच्चों चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया। कर्ता कारक का हमारा चिन्ह हुआ कर्ता ने, कर्म कारक का चिन्ह हुआ कर्म को। आपने इसको क्रिया से पहले लगाया, आपको जो जवाब मिला वो आपने क्या किया? उसे क्या कहा आपने? कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं, करण कारक। करण कारक बच्चों किसे कहते हैं? किसको इसका कारक चिन्ह याद है? अभी अभी मैंने आपको इसका चिन्ह बताया। करण कारक का चिन्ह क्या होता है बच्चों? करण कारक का चिन्ह क्या होता है? करण कारक का चिन्ह है से, द्वारा। आगे बढ़े, इसकी परिभाषा देखिए। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को हम करण कारक कहते हैं। अर्थात हम जो भी साधन आप प्रयोग कर रहे हैं किसी भी माध्यम से,
इसको देखिए, उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आएगा, मोहन कलम से लिखता है। यहाँ पर कलम हमारा क्या है, साधन है ना, लिखने का हमारा माध्यम क्या है, कलम है, हम कलम से लिखते हैं, मोहन कलम से लिख रहा है, तो जो माध्यम है वो हमारा क्या है, करण कारक है। क्या है हमारा, करण कारक। उसके साथ हमने क्या यूज, क्या प्रयोग किया हमने, से के साथ कौन सा कारक चिन्ह हमने प्रयोग किया, के साथ हमने से प्रयोग किया। अभी है, किसान हल से खेत जोतता है, किसान खेत जोतता है, खेत जोतने का साधन क्या है, किससे, किसके द्वारा खेत जोतता है, हल से खेत जोतता है, तो हल हमारा क्या है, करण कारक है। उसके साथ आपने कौन सा चिन्ह प्रयोग किया, से। अगर करण कारक की पहचान है तो कोई भी साधन या माध्यम होगा तो वहां क्या होगा बच्चों, करण कारक होगा। और करण कारक के द्वारा आप क्या प्रयोग करेंगे उसके साथ, चिन्ह, से या द्वारा। आगे बढ़िए, देखिए, पिताजी बस के द्वारा आगरा गए, बस के द्वारा, पिताजी के आगरा जाने का माध्यम कौन सा है, कौन सा साधन है ना, साधन कौन सा है जिसके द्वारा वो आगरा पहुंचे, बस, बस के द्वारा, है ना। तो बस के साथ आप कौन सा कारक चिन्ह लगा दे सकते हैं, बस से आगरा नहीं, बस के द्वारा आगरा गए, बस के द्वारा आगरा गए। तो आपने कारक चिन्ह, करण कारक के साथ आपने क्या प्रयोग किया, से और द्वारा। वेरी गुड मोनिका, कौन सा आपने, बहुत अच्छे, आपको समझ में आ रहा है सबको। देखिए, करण कारक से आपने पहचाना कि कोई भी साधन या माध्यम है तो वहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे, करण कारक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण देखिए, एक दो और उदाहरण देख लेते हैं हम, कि बालक किताब से पढ़ाई करते हैं। बालक के पढ़ाई करने का माध्यम कौन सा है, कौन सा साधन है जिससे बालक पढ़ाई करते हैं, किताब है हमारा, तो ये किताब हमारा क्या है, करण कारक है। क्या है हमारा, यहाँ पर करण कारक है। और हमारा इसके साथ आपने कौन सा चिन्ह प्रयोग किया, से, किताब से। ठीक है ना, अब आपको समझ में आया करण कारक किसे कहते हैं। आगे देखिए, माँ ने अपने हाथों से हलवा बनाया। माँ ने हलवा कैसे बनाया, अपने हाथों से बनवाया, बनाया, साधन हमारा क्या है, किस माध्यम से, हाथों से हलवा बनाया। तो हाथ हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, करण कारक। तो करण कारक कहाँ होगा, जहां पर साधन या माध्यम का प्रयोग होगा कर्ता के साथ। यहाँ पर कर्ता हमारा क्या है, जैसे मोहन है, किसान है, पिताजी है, माँ ने, तो माँ हमारा यहाँ पर क्या है। हेलो हेलो शशांक, और बेटा कैसे हो आप। माँ हमारा क्या है यहाँ पर, कर्ता है। तो कर्ता के साथ, कर्ता किस माध्यम से काम कर रहा है हमारा, हाथों से काम कर रहा है, हाथ हमारे क्या है यहाँ पर, करण कारक है। हलवा बनाया, हलवा हमारा क्या है, क्या उन्होंने किस साधन से बनाया, हाथों से बनाया। तो यहाँ पर से आप कौन सा लगाएंगे चिन्ह, से, तो इसको हम क्या कहेंगे, करण कारक। अब आपको समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों यहां तक। अब इसके चिन्ह देख लीजिए एक बार फिर, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या हुआ है बच्चों, को और के लिए, इसकी पहचान है आपको। आप अगर वाक्य में को या के लिए लगा हुआ है वहां पर वाक्य क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक, अभी ये देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं पहले, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वहां क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप समझिए बच्चों। हाँ मोनिका, आगे देखते हैं, उदाहरण देखिए, भिखारी को भोजन दो, है ना, आपने भोजन भिखारी को दिया, किसी को कुछ दिया है आपने, मैंने आपको परिभाषा बताई, जिसको कुछ दिया जाए वहां क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। आपने भिखारी को कुछ दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। और उसके लिए कौन सा आपने चिन्ह प्रयोग किया, को चिन्ह प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण, पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए, है ना,
आपने किसके लिए काम किया? पिताजी राम के लिए, राम पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए। पिताजी ने राम के लिए क्या किया? पुस्तक लेकर के आए हैं, है ना, काम किया, कुछ दिया है राम को, पुस्तक पुस्तक लेकर आए, राम को पुस्तक दी। तो इस यहाँ पर क्या हुआ आपका? संप्रदान कारक हुआ। और संप्रदान कारक में आप क्या यू प्रयोग करते हैं? या तो को प्रयोग करते हैं और या तो के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पिताजी सीता के लिए आम लाए। पिताजी सीता के लिए क्या लेकर के आए? आम लेकर आए, आम दिए सीता को। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या है इसकी पहचान? कोई काम किया जाए या तो किसी को कुछ दिया जाए। तो पिताजी ने आम लेकर आए और सीता को दिए, कुछ दिया, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह आप देखिए को और के लिए है, और सीता के साथ क्या प्रयोग हुआ है? के लिए कारक चिन्ह। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं? यहाँ पर बच्चों कर्ता कारक द्वारा, कर्ता द्वारा इन समस्त कारणों के लिए क्रिया की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक का चिन्ह बच्चों क्या है? अच्छी तरीके से देख लीजिए, को और के लिए प्रयोग हुआ है ना। तो आप यहाँ पर क्या है, आप अच्छी तरीके से अब इन कारक चिन्हों को देख लीजिए। आगे देखिए, आगे हम देखिए अभ्यास कार्य करिए। अभ्यास कार्य में बताइएगा, अभी इसका जवाब दीजिए अंकिता। सैनिक घोड़े से गिर पड़ा, देखें आपको कौन सा कारक समझ में आया, कौन सा नहीं आया। सैनिक घोड़े से गिर पड़ा, यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्म कारक है हमारा, कि करण कारक है? जल्दी बताइए बच्चों, सैनिक घोड़े से गिर पड़ा आपकी पहचान है ना। से लगा है यहाँ पर, से कारक चिन्ह लगा है, से किसका कारक चिन्ह है? कर्म कारक का कि करण कारक का? किसका है? कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर क्या आएगा? करण कारक। कौन सा आएगा? सैनिक घोड़े से गिर पड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? करण कारक। कर्म नहीं मोनिका, कर्म कारक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका करण कारक। देखिए आपका कौन सा चिन्ह आपका यह प्रयोग किया गया है? करण से। मैंने आपको बताया बेटा, कर्ता ने कर्म को, सैनिक घोड़ों को गिर, घोड़े को नहीं गिर पड़ा, सैनिक घोड़े से गिर पड़ा, है ना। मैंने आपको अभी करण कारक की आपको बताया भी मैंने कि से कारक चिन्ह लगाया जाता है और किसी साधन द्वारा कार्य की पूर्ति होती है, वहां क्या होता है? करण कारक होता है। सैनिक घोड़े से गिर पड़ा, तो यहाँ पर क्या आप कारक चिन्ह यूज करेंगे? क्या प्रयोग करेंगे? से प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। अब सीता को दूर जाना था, को आप किसके साथ प्रयोग करते हैं बताइए बच्चों? सीता को आप किसके साथ प्रयोग करते हैं? कर्ता कारक में प्रयोग करते हैं कि कर्म कारक में प्रयोग करते हैं? कर्ता कारक में। जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों, सब बच्चे जल्दी से जवाब दीजिए। सीता को दूर जाना था, देखें कितना आपको कारक समझ में आया बच्चों। कर्ता ने कर्म को, वेरी गुड मोनिका, क्या इसका है? कर्म को, अर्थात यहाँ पर क्या है? कर्म कारक है ना। आगे देखिए, स्नेहा पापा के लिए उपहार लाई, के लिए संप्रदान कारक है यहाँ पर कि करण कारक है? संप्रदान कारक है कि करण कारक है यहाँ पर? स्नेहा पापा के लिए, हेमंत है बेटा, ठीक है, वेरी गुड हेमंत, बताइए बताइए बच्चों। स्नेहा पापा के लिए, यहाँ पर कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग हुआ है, संप्रदान कारक है कि करण कारक है? संप्रदान कारक, वेरी गुड, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की पहचान क्या है? या तो कर्ता किसी के लिए कुछ करता है, कार्य करता है, या तो किसी को कुछ देता है। यहाँ पर स्नेहा पापा के लिए क्या लेकर आई है? उपहार लेकर आई है और दे रही है पापा को, तो क्या यहाँ पर कहेंगे? संप्रदान कारक।
है, अगर कुछ देते हैं हम, किसी को प्रदान करते हैं या किसी के लिए कार्य करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। अब नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है कि पेड़ से फल गिरे, पेड़ से फल गिरे कर्म कारक है कि करण कारक है, यहाँ पर कौन सा कारक है बच्चों, पेड़ से फल गिरे। पेड़ से फल गिरे, जल्दी बताइए, कर्म कारक है यहाँ पर कि करण कारक है। करण यहाँ पर हमारा है, करण कारक कौन सा है हमारा, हाँ बेटा सही है, करण कारक, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपके समझ में आया, करण कारक है यहाँ पर, से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर हमारे क्या है, करण कारक है। आगे देखिए, कारक को कहते हैं हम, और क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कारक को परसर्ग कहते हैं कि हम कर्म भी कहते हैं, कारक को हम और क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं या हम कर्म भी कहते हैं कारक को, कारक की परिभाषा में था बच्चों, कारक को परसर्ग कहेंगे या कर्म भी कहेंगे, या आपके प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है कि हम क्या कहेंगे, कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं, कर्म तो कारक का ही है ना, उसका भाग है ना? कारक के कितने भेद हैं, तो कारक का भेद है कर्म कारक, लेकिन हम कारक को और क्या कहते हैं, परसर्ग, कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों द्वारा वाक्य पूर्ण होता है कि अपूर्ण होता है, जब हम कारक चिन्ह लगाते हैं, हम किसी वाक्य को पूरा करते हैं, तो वो वाक्य हमारा कारक चिन्ह लगा करके हमारा पूर्ण होता है कि हमारा वाक्य वो अपूर्ण होता है, जल्दी बताइए बच्चों क्या होता है हमारा वाक्य, पूर्ण होता है कि अपूर्ण होता है, कारक चिन्ह लगा करके हम वाक्य को पूर्ण करेंगे कि अपूर्ण करेंगे, जल्दी बताइए, कारक चिन्ह लगा करके हमारा वाक्य क्या होता है, पूर्ण होता है, जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो हमारा वाक्य पूर्ण होगा, हमारे कारक चिन्हों के बिना वाक्य हमारा अपूर्ण रहता है, के बिना हम वाक्य को पूरा नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, संप्रदान कारक का चिन्ह है क्या है, के लिए या से, अभी आपको मैंने चिन्ह बताए हैं, संप्रदान कारक का हमारा चिन्ह कौन सा होता है, के लिए है या से चिन्ह है, जल्दी देखिए, अगर आपने कॉपी में लिखे हैं तब आप उसमें से ही देख करके आप बता सकते हैं, याद करके, आपको याद कराया मैंने अभी कि हमारा संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है, के लिए है या से चिन्ह है संप्रदान कारक का, संप्रदान कारक का हमारा चिन्ह है संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान का हमारा चिन्ह कौन सा हुआ, के लिए, ठीक है, इसका जवाब है, उत्तर है के लिए। आगे देखते हैं, सीता ने मेज पर किताबें रखी, सीता ने मेज पर किताबें रखी, ने कारक चिन्ह हमारा कर्ता कारक में है कि कर्म कारक में है, किस कारक में हम लगाते हैं, कर्ता कारक में कि कर्म कारक में ने कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सीता ने बताइए किस में प्रयोग करते हैं, कर्ता कारक में कि कर्म कारक में, जल्दी बताइए, सीता हमारी कर्ता है, में हम प्रयोग करेंगे ने प्रयोग, किस किसका प्रयोग करेंगे, ने, कर्ता कारक में हम ने कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कर्ता ने, ठीक है, इसमें क्या होगा, सीता ने मेज पर किताबें रखी, इसका उत्तर है कर्ता कारक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राम ने पेड़
पेड़ से फल तोड़े से कारक चिन्ह यहाँ प्रयोग हुआ है, संप्रदान कारक की करण कारक। कौन सा कारक है यहाँ पर? राम ने पेड़ से फल तोड़े, यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है बच्चों? जल्दी बताइए, आपको कारक समझ में आया? जल्दी बताइए, यहाँ पर से कारक चिन्ह लगा है, तो कारक चिन्ह से किसके साथ प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक में प्रयोग होता है कि करण कारक में प्रयोग होता है? यहाँ पर क्या होगा? करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से कारक का चिन्ह क्या है? से। यहाँ पर तो कर्ता ने कर्म को करण से के कारण आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे करण कारक। राम ने पेड़ से फल तोड़े, यहाँ पर क्या आप करेंगे? करण कारक। यहाँ पर क्या कि इसमें मैंने आपको बताया कि जिन वाक्यों के अंतर्गत कर्ता किसी ना किसी साधन द्वारा किसी कार्य की पूर्ति करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पिताजी आदित्य पिताजी अध्यापक हैं, यहाँ पर कौन सा आप कारक चिन्ह लगाएंगे? तुम्हारे पिताजी आदित्य तुम्हारे पिताजी अध्यापक हैं या आदित्य के पिताजी अध्यापक हैं? आप कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिससे वाक्य पूर्ण हो जाए? कारक चिन्हों द्वारा ही वाक्य पूर्ण होता है ना बच्चों, तो कौन सा कारक चिन्ह हम लगा देंगे इसमें? मोनिका बताइए। हाँ हेमंत बताइए कि कौन सा कारक चिन्ह हम लगाएंगे? आदित्य पिताजी अध्यापक हैं, तुम्हारे की के, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आदित्य के पिताजी अध्यापक हैं, ये लगा करके हमारा वाक्य पूरा होगा। कि कारक द्वारा ही, जहां पर हम कारक का प्रयोग करते हैं तभी हमारा वाक्य पूर्ण होता है। राधा बाजार फल लाई, राधा बाजार जाकर फल लाई कि राधा बाजार से फल लाई, तो कौन सा कारक चिन्ह हम प्रयोग करेंगे? जाकर या से, कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग करेंगे? कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग करेंगे, जाकर या से? बताइए बच्चों, कौन सा चिन्ह लगाएंगे कि हमारा वाक्य पूरा हो जाए? राधा बाजार से फल लाई, से कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा वाक्य पूरा हो जाए। आप जाकर भी लगाएंगे तो देखिए वो कारक चिन्ह हमारा नहीं है, इसलिए आपका वाक्य गलत हो जाएगा। राधा बाजार जाकर फल लाई, ठीक है, वाक्य आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपसे कारक चिन्ह पूछा गया है तो से, वेरी गुड हेमंत, राधा बाजार से फल लाई, आपको कारक चिन्ह बोला गया भरने के लिए, तो आप कारक चिन्ह में क्या लगाएंगे? से। आगे देखिए, माता जी कुर्सी पर बैठी हैं या कुर्सी में बैठी हैं? आप कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग करेंगे? माता जी कुर्सी में बैठी हैं या कुर्सी पर बैठी हैं? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चों। का क्या होगा? कुर्सी पर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे हेमंत, माता जी कुर्सी पर बैठी हैं। मैं आप प्रयोग करते किसी चीज के अंदर के लिए, कुर्सी पर आप ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, माता जी कुर्सी पर ऊपर, उसके ऊपर बैठी है ना, तो पर का प्रयोग करें, माता जी कुर्सी पर बैठी हैं। ठीक है, कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो आप प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, मेज में पानी रखा है, मेज पर पानी रखा है, आप इसमें क्या प्रयोग करेंगे? मेज में, वेरी गुड राहुल, बहुत अच्छे, मेज पर पानी रखा है या मेज में पानी रखा है? आपको पर और में का अंतर आपको मालूम होना चाहिए। पर मैंने क्या होता है अर्थ, और मे का अर्थ क्या होता है?
मेज पर पानी रखा है या मेज में पानी रखा है? वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड राहुल। मेज पर पानी रखा है, किसी चीज के आप अंदर के लिए मे का प्रयोग करते हैं, मेज पर पानी रखा है। आगे देखिए, पेंसिल से लिखो या पेंसिल पर लिखो, कौन सा कारक चिन्ह लगाएंगे? बच्चों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे वो भी आपके साथ पढ़े ना, क्लासेस अटेंड कर पाए, वो भी हिंदी में जो मैं पढ़ा रही हूँ, बेसिक से आपको समझा रही हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको हिंदी में नहीं हो तो उसके लिए आप क्या करिए, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वेरी गुड हेमंत, पेंसिल से लिखो। आगे देखिए, मीना ने साबुन से कपड़े धोए, यहाँ पर कौन सा कारक है हमारा, कर्म कारक है कि करण कारक है? ये हमारा साधन है, मीना ने साबुन से कपड़े धोए। हाँ, जहां साधन का प्रयोग करते हैं किसी साधन द्वारा तो क्या प्रयोग करते हैं? मीना ने साबुन से, कारक चिन्ह अभी मैंने पहचाना बताया आपको, जल्दी बताइए करण कारक है कि कर्म कारक है? वेरी गुड, जल्दी बताइए यहाँ पर कौन सा कारक है? बच्चों आप देखिए, हेमंत आप कंफ्यूज हो गए हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, जहां पर हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं कर्म कारक नहीं है बेटा, यहाँ पर करण कारक है। मैंने आपको बताया जब जिन वाक्यों के अंतर्गत कर्ता किसी ना किसी साधन के द्वारा, यहाँ पर मीना साबुन से कपड़े धो रही है, यहाँ पर साबुन क्या है, कपड़े धोने का माध्यम क्या है हमारा, साबुन। कपड़े हम किससे धो रहे हैं, मीना किससे कपड़े धो रही है, साबुन से धो रही है, तो साबुन बेटा हमारा क्या है, माध्यम है। तो जहां पर माध्यम का प्रयोग होता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं, कोई साधन प्रयोग होगा तो उसे हम कहेंगे करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। हाँ वेरी गुड, कर्म कारक, वेरी गुड हेमंत, कर्म कारक है यहाँ, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। हाँ ठीक है, कर्म कारक मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पर से लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, करण से। हेमंत समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब आपको? यहाँ पर आप साधन का प्रयोग कर रहे हैं, अभी मैंने आपको और भी उदाहरण दिए, बालक किताब से पढ़ाई करते हैं, तो बालक के पढ़ाई करने का साधन बच्चों यहाँ पर क्या था, किताब था, तो किताब आपने साधन यहाँ पर प्रयोग किया है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, करण कारक। तो यहाँ पर मीना के कपड़े धोने का साधन क्या है हमारे, साबुन है, कपड़े धो रही है वो साबुन से धो रही है, तो उसका साधन क्या है हमारा, साबुन, तो यहाँ पर क्या होगा, करण कारक होगा। हाँ बेटा, नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर साधन जब हम प्रयोग करते हैं, एक दो उदाहरण आप और देखिए, कि किसान हल से खेत जोतता है, किसान के खेत जोतने का माध्यम क्या है, मैंने आपको करण की, किसान देखिए जिन वाक्यों के अंतर्गत कर्ता किसी ना किसी साधन द्वारा किसी कार्य की पूर्ति कर रहा है, यहाँ पर मीना कपड़े धो रही है, कपड़े धोने का काम जो कार्य की पूर्ति कर रही है वो साबुन से कर रही है। हेलो अंकित, तो उसमें वहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे, से आप किसमें करते हैं, करण कारक में प्रयोग करते हैं। आपने जवाब दिया था कर्म कारक, तो कर्म कारक किसमें प्रयोग करते हैं, कर्ता ने कर्म को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वाक्य में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, कर्ता कारक में क्या है, देखिए हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इसके आगे का हम शाम की क्लास हमारी होती है 6 से 7 बजे तक, है
ना, उसमें मैं आगे के कारक आपको समझाऊंगी। अर्थात वाक्य में कार्य करने का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर परिलक्षित होता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे रोहन ने सोहन को मिठाई दी, आपने यहाँ को का प्रयोग किया, वहां पर आपको क्या होगा कर्म कारक। अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, करण कारक में अगर साधन का प्रयोग होगा तो आप वहां पर करण कारक लगाएंगे, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के आगे बच्चों मैं पढ़ाऊंगी कारक चिन्ह, अभी आपके बाकी रह गए हैं। मैंने आपको चार कारक चिन्ह पढ़ाए, संप्रदान कारक, इसके बाद के कारक चिन्ह, उसके बाद अभ्यास कार्य भी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे जो है आप लिंक जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी शाम की क्लास अटेंड कर पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा बिल्कुल नहीं भूलिए। आपको यहां तक कारक समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। आगे देखिए, थैंक यू बच्चों, शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है, आफ्टरनून में मेरी, दोपहर में जब क्लास होगी मेरी 1 से 2 बजे होती है, आप उसे अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये ग्राम आपको हिंदी व्याकरण जो मैं करा रही हूँ इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर करके आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं, 1 नंबर से बताइए आपकी रैंक क्लास में पीछे हो जाती है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करिए, ग्रामर मेरे साथ हिंदी व्याकरण करते जाइए, अभ्यास कार्य आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आया। थैंक यू बेटा देवांशु, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को लिंक मेरा शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड पूजा 01 लगाना नहीं भूलिए, कि उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शाम की क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।